मेरठ एक्सप्रेसवे बनने के बाद दिल्ली वालों के लिए तो काफी आसानी हो गई है, उनके लिए मेरठ जाना चुटकियों का काम हो गया है, लेकिन नोएडा जाने वाले लाखों लोगों के लिए कोई खास राहत नहीं हुई। बता दें कि गाजियाबाद हापुड़ बुलंदशहर से आने वाले लाखों लोग कंपनियों में काम करने रोज आते हैं और उनको सुबह और शाम दोनों वक्त भयंकर जाम से जूझना पड़ता है। ऑफिस आवर्स में इन लोगों को 2 किलोमीटर का सफर तय करने में कम से कम 1 घंटा लगता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों को कितना फायदा इस प्रोजेक्ट का मिल रहा है। लोग ऑफिस लेट पहुंचते हैं या 1 घंटे पहले घर से निकलते हैं ताकि इस समय पर पहुंच सके, अर्थात सरकार को ध्यान देना होगा ताकि इस गंभीर समस्या का समाधान हो सके, ताकि नोएडा और गाजियाबाद के लोगों को राहत मिले और इसे और इस बड़े प्रोजेक्ट का लाभ मिल सके। आप देख सकते हैं इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं और लोग कैसे जाम से जूझ रहे हैं, वहीं बगल की दिल्ली मेरठ रोड पर ट्रैफिक कितना स्मूथ है।